Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we will be continuing dealing with the newspaper important topics from the newspaper of 27 August 2024. So first article, the first topic says, SATCOM firms want gateways to service global operations. So here, the satellite communication service providers, जैसे कि OneWeb India, SpaceX owned Starlink, और Amazon's Kuiper systems, they have urged the government so that they allow them to use their gateways in India to service other nations also. तो इसके लिए they will need more licensing regulatory approval, जिससे कि जो operational infrastructure है which they have already created in India, they can use it for the service of other nations. तो लाइसेंस फॉर ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, तो इसमें देर विल बी अमेंडमेंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड. यहाँ पे दी ओनली मेजर कंसर्न इज रिगार्डिंग द कंज्यूमर डेटा, कि जो डेटा है ऑफ द इंडियन यूजर्स दैट विल बी सेंट आउट ऑफ द कंट्री. तो इसको प्रिवेंट करना इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेटा सिक्योरिटी, बिकॉज अगेन डेटा इज द न्यू ऑयल एज वी से. And talking about the important acts, तो सबसे पहले is Indian Telegraph Act, which is 1885. फिर Indian Wireless Telegraphy Act 1933. फिर TRAI की हम बात करते हैं, Telecom Regulatory Authority in India 1997, and even Information Technology Act 2000. Further इसमें हम Digital Personal Data Protection Act की भी बात कर सकते हैं, because again it is regarding data concern. Satellite Communication Policy 2000, तो ये भी promote करती है use of satellites for communication broadcasting और जो broadband services होती है उनके लिए. And also we have New Space India Limited, which is NSIL. So these are the important points here. Next, RBI to launch ULI to transform lending. So, unified lending infrastructure, it mainly refers to a tarah ka digital platform jo integrate karta hai various aspects of the lending process, jaise ki credit ko assess karna, fir disbursement, fir monitoring aur fir repayment. So, seamless aur ek unified framework hona chahiye of the lenders and borrowers. लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी है और एक्सेसिबिलिटी है इन द लेंडिंग इकोसिस्टम वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव. जब हम की कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या की कॉम्पोनेंट्स हैं इन द यूनिफाइड लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिजिटल आइडेंटिटी और KYC, अगेन दिस इज सिमिलर टू UPI. जब हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करते हैं तो इट इज सिमिलर टू दैट प्रोसेस, नो योर कस्टमर, KYC और डिजिटल आइडेंटिटी. फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ओपन बैंकिंग और APIs, विच इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट सर. और अगर हम बात करें न्यू ट्रिनिटी की, या फिर इसको अगर हम ऐसे एज ए स्टेप देखें टूवर्ड्स द डिजिटल इंडिया मिशन, तो उसमें भी न्यू ट्रिनिटी में दीज विल बी द थ्री मेजर कॉम्पोनेंट, जैसे जैम, जनधन आधार मोबाइल और UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एज आई जस्ट मेंशन, एंड देन यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI. तो ये तीनों दे विल मेक अ रिवोल्यूशनरी स्टेप फॉरवर्ड इन द इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी, क्योंकि एक तो लार्ज डिमांड केटर होगी और ज़्यादा जो ये फ्रॉड एट्स होते हैं दे कैन बी प्रिवेंटेड, एंड ऑल्सो ईजी एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एट्सेट्रा ऑफ द लोन्स एंड लेंडिंग पार्ट. फर्दर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम बात कर सकते हैं CBDC की, विच इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. तो गवर्नर ने बोला है कि करेंटली देर शुड बी नो रश टू रोल आउट द सिस्टम वाइड CBDC, इससे पहले कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि हाउ दिस प्रोसेस विल वर्क इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या क्या और व्हाट ऑल विल बी द मेजर चेंजेस.
नेक्स्ट, नेचुरल गैस इंपोर्ट्स राइज 7% इन अप्रैल जुलाई ऑन हाई डिमांड. तो यहाँ पे इंडियाज इंपोर्ट बिल फॉर नेचुरल गैस रोज बाय 7% टू 4.6 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग द लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द करंट फिस्कल ईयर कंपेयर टू 4.3 बिलियन डॉलर इन द सेम पीरियड ईयर अगो. तो ये इंक्रीज क्यों हुआ है मेजरली नेचुरल गैस के इम्पोर्ट्स में? ड्यू टू द राइज इन कंसम्पशन, पर्टिकुलरली जो गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंपनीज, सीजीडी कंपनीज, उनके द्वारा द कंजम्पशन इज इंक्रीज एंड इवन द पावर सेक्टर इवन दैट इज रिक्वायरिंग मोर गैस. तो इसीलिए द डिमांड हैव मेजरली इंक्रीज हियर. फर्दर एमजी नरेगा फॉलिंग डिमांड रिफ्लेक्ट्स रूरल इनकम राइज. तो दिस आर्टिकल इज मेनली रिगार्डिंग एमजी नरेगा. कैसे इसमें जो फॉलिंग डिमांड है वो क्या शो कर रही है? वाई इज इट एक्चुअली फॉलिंग? तो द मेजर रीजन इज स्लोइंग ऑफ द डिमांड एज वेल एज फॉल इन पर्सन डेज जनरेटेड. जो यानी कि वर्क में भी और उसकी डिमांड में भी जो डिक्रीज हो रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स अ राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेशली इन द रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली अर्बन कंस्ट्रक्शन में, और जो हायर डिमांड है फॉर फार्म लेबर फॉर खारिफ सोइंग. तो देयर द अब्जॉर्प्शन ऑफ दिस लेबर इज टेकिंग प्लेस. इसीलिए यहाँ पे अभी करेंटली इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. एमजी नरेगा अगेन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इट हैड स्टार्टेड. और थर्ड फैक्टर कैन ऑल्सो बी फ्यूअर प्रोजेक्ट्स आर मेड अवेलेबल बाय सम स्टेट्स. तो इसलिए द इंडिविजुअल्स दे प्रेफर टू वर्क ऑन द फार्म्स एटसेट्रा इटसेल्फ. फिर वेन वी टॉक अबाउट द रेनफॉल कि कैसे जो मॉनसून हो रहा है उसका क्या ट्रेंड है, तो IMD हैज सेड आउट ऑफ 729 डिस्ट्रिक्ट्स 73% हैव रिसीव रेनफॉल इन लार्ज एक्सेस टू नॉर्मल रेन सो फार. दिव्यादी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस? मनरेगा में अगर हम बात करते हैं, केरल एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमें सबसे ज्यादा वेजेस देखने के लिए मिलती है, और जो मनरेगा वर्कर्स है उनका यूज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में किया जा सकता है गवर्नमेंट के, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होगा. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो स्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके अंदर यूज किया जा सकता है, ताकि जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए वो प्रोवाइड कराया जा सके. थैंक यू जी फॉर एड. नेक्स्ट, SFB इज लाइकली टू ग्रो एडवांसेस बाय 25 to 27% दिस फिस्कल ईयर सेज रिपोर्ट. तो अभी दिस ट्रेंड इज शोइंग कि द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो देयर एडवांसेस बाय 25 to 27% इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर एट लोअर देन द 28% ग्रोथ इन द प्रीवियस फिस्कल. तो ये क्रिसिल रेटिंग्स ने बताया ये. तो मैं टॉक अबाउट SFBs के ये होते क्या है. तो दे आर स्पेशलाइज टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया जो कि प्राइमरीली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या फिर जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं और जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं उनको मेजरली सपोर्ट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर यूज. और ये इंट्रोड्यूस कब हुए थे? ये RBI ने इंट्रोड्यूस करे थे इन 2015, ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं दैट इंक्रीजेस, अफोर्डेबल क्रेडिट मिले टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. फिर अगेन माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है, विच वॉज गिवन बाय मोहम्मद यूनुस जी बांग्लादेश में, जिन्होंने ग्रामीण प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, तो ग्रामीण बैंक्स का इनिशिएटिव. तो यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस यूज हो जाता है कि स्मॉल लोन्स देना
और कम्युनिटी ओरिएंटेड है ये, ताकि अफोर्डेबल क्रेडिट मिल सके, फिर फर्दर जॉब क्रिएशन में हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा लोकल इकोनॉमीज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी ये हेल्प कर सकता है। दीज आर द मेजर पॉइंट्स है। कि माइक्रो फाइनेंस ऐसे टर्म में भी है, स्मॉल फाइनेंस अमाउंट देते हैं, सो दैट इज लिंक्ड विद द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट. उसमें इट इज मैंडेटरी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ देयर टोटल क्रेडिट, जिसको हम इकोनॉमी टर्म्स में भी से एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर. सो दैट शुड बी 75% अंडर विच एग्रीकल्चर इज देयर, माइक्रो एंड स्मॉल एमएसएमईज, देन हाउसिंग फॉर द वीकर सेक्शंस एंड बाकी कुछ कैटेगरीज भी हैं. एंड दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सर्टन कंडीशंस इफ अ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज टू बी इस्टेब्लिश्ड. सो फॉर दैट जो प्रमोटर है, जिसको अगेन जो प्रोप्राइटर या ओनर होगा, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होगी, दे मस्ट हैव मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. एंड प्रमोटर्स दे कैन बी इधर इंडिविजुअल्स, दे कैन बी प्रोफेशनल्स और एंटिटीज ऑल्सो. देन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में देर इज अगेन रिक्वायरमेंट टू हैव अ मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹200 करोड़. सो दिस दिस इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. एंड द प्रमोटर्स इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट बी एटलीस्ट 40% ऑफ द पेड अप कैपिटल. सो दिस इज इवन लॉग्ड फॉर 5 ईयर्स पीरियड. सो 40% बाय द प्रमोटर. सो दीज आर द कंडीशंस. एंड ऑल्सो रूरल एरियाज आर ऑल्सो अंडर फोकस. सो इट इज अगेन अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट एटलीस्ट 25% ऑफ देयर ब्रांचेस दे मस्ट बी लोकेटेड इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज टू इंश्योर अगेन दी फाइनेंशियल इंक्लूजन इज फर्दर एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज देयर, देन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक. सो देर आर टोटल 12 ऑपरेटिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया. एंड अगेन फ्यू डेज बैक वी टॉक्ड अबाउट द रीजनल रूरल बैंक्स. सो दे आर क्लोज टू 35 to 40 RRBs इन इंडिया. सो दे आर ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, द रेगुलेशन ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बी इट लाइक दी कोऑपरेटिव सेक्टर लेंडिंग और RRBs. So there is e even this the bank linkage scheme is also there. And So in terms of services also, so they are allowed to issue debit cards. They can participate even in the NEFT or RTGS transfers and other electronic payment services. So if they are offering credit, I think credit card should also be a feature, which is not in payment banks. So these are the services, financial services, which are made available by them. एंड जोग्राफिकल पेनिट्रेशन में द SFB ब्रांच नेटवर्क इट मोर देन डबल्ड ओवर द 5 ईयर्स टू 7,400। तो मेनली इन सेमी अर्बन रीजन्स एंड रूरल रीजन्स में। नेक्स्ट अ फार्मर एंड हिज टीम ऑफ ऑक्सन प्लो थ्रू द मड इन द नांगरनी स्पर्धा अ ट्रेडिशनल रेस हेल्ड एट द पीक ऑफ रेनी सीजन। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इस वॉज बींग हेल्ड नांगरनी स्पर्धा। नेक्स्ट अमित शाह अनाउंसेस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर लद्दाख। तो करंटली लद्दाख नाउ हैज 2 डिस्ट्रिक्ट लेह और कारगिल विच हैव द ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स। अब फर्दर जो ये बॉडी जैसे कि लेह एपेक्स बॉडी और सिविल सोसाइटी ग्रुप है एंड इवन द KDA विच इज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दे हैव बिन डिमांडिंग स्टेटहुड ताकि बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो
क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगी इफ द 5 more districts विल बी एडेड हियर? तो बेटर रिप्रेजेंटेशन कैन टेक प्लेस एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दैट कैन इम्प्रूव, इम्प्रूव गवर्नेंस हो सकता है यहाँ पे, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स वी कैन से कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कैन टेक प्लेस, इट कैन टेक प्लेस इन अ मोर इफेक्टिव मैनर बिकॉज देन वी हैव टू डील विद फ्यूअर पीपल बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ मोर डिस्ट्रिक्ट. देर कैन बी एनहैंस्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म, बेटर वी कैन से प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ अगेन बिकॉज ऑफ अ फोकस्ड एरिया वुड बी देर. देन वी कैन से स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लोकल गवर्नेंस ऑल्सो, as you mentioned, decentralization of power, greater local autonomy and decision making. So it will be empowering the local communities. And conflict resolution and social harmony would also be promoted. So they can address regional imbalances. So we can focus more upon the underdeveloped areas, upon the neglected areas. In terms of challenges, it will definitely increase the administrative cost, but particularly in this also we can say ki it would be increasing, but not absolutely if we are efficiently reallocating the resources to the focus areas where the need is more. Then there is again certain risk of administrative fragmentation might also be possible. Then we can say that political social tensions can be another area of challenge. Equitable developmental concerns. So disproportionately, it can benefit the new district headquarters and it might divert the resources away from other important developmental needs. So this needs to be managed as we're talking about proper reallocation, efficient utilization of the resources. अलावा जो क्लाइमेट चेंज से लेकर रिसेंट इशू देखने के लिए मिला था, तो उस बेसिस पर जो सेंसिटिव लोकेशंस है उनको किया जा सकता है ताकि जो फ्लोरा फोना है उसको सेव किया जा सके, जैसे टूरिस्ट विलेज क्रिएट किए जा सकते हैं ताकि उन चीजों को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। And the names of districts are also clearly mentioned here, like Zaskar, Dras, Sham, Nubra, and Changtang. So these would be created. And jo again demand of the Ladakhi people, whether is it a solution for that or not, is to be seen. तो हेमा कमेटी वी रेड, इट वाज रिगार्डिंग द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जिसमें इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन टू प्रिवेंट द अट्रोसिटीज अगेंस्ट देम। तो रिपोर्ट आई है ऑफ द जस्टिस के हेमा कमेटी, इट हैज आल्सो प्रेजेंटेड मेन पॉइंट्स कि जैसे सेफ्टी होनी चाहिए एंड आल्सो द बेसिक फैसिलिटीज जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स की अवेलेबिलिटी at the workplace itself, internal complaints committee, most important point, it should exist. So key terms care, it would be still a bulwark to stall the atrocities against women. We need calibrated approach to ensure that it is effectively implemented also, not just the recommendations are important. Their implementation is far more important. Then again, यहाँ पे लिखा है कि challenge was कि the society in Kerala was not willing to accept जो there is issue of favor solicited from women in return for roles in the film industry particularly. So this was kind of an open secret and the society was not willing to accept this. So structural changes are needed and we need more transparency, more accountability. This could definitely disrupt the power dynamics, but again, safety is a concern and potentially facing the resistance from those benefiting from the again status quo. So there would be resistance from such types of again these sections. So we need a stronger legal framework, survivor support systems. Real challenge lies in fostering cultural shift towards respect and equality. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरल शिफ्ट, इस कमिटी की
इफेक्टिवनेस दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट, कि जो इंटरनल जो ग्रीवेंस रिड्रेसल होएगा विल दैट एक्चुअली बी टेकन इन टू अकाउंट, एंड क्या एक्चुअली स्टेप्स लिए जाएंगे उसके टूवर्ड्स या नहीं। नेक्स्ट ऑन द अनरेस्ट इन द बलोचिस्तान रीजन, तो बलोचिस्तान इज अ प्रोविंस रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड द करंट पॉलिटिकल टर्मोइल इट इज इंडिकेटेड ऑफ द चैलेंजेस दैट द पाकिस्तान इज एनकाउंटरिंग इन बिल्डिंग अ नेशन प्योरली बेस्ड ऑन रिलीजन। द मेन चैलेंजेस हेयर करेंटली आर रिगार्डिंग द सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दैट इज प्रेजेंट विद इन द कंट्री, और जो इकोनॉमिक निगलेक्ट है, द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि वी हैव सीन द इंटरैक्शन ऑफ मिलिटरी विद द सेमी डेमोक्रेटिक रेजीम्स, तो दैट क्रिएट्स इश्यूज। जैसे लाड लगा कंसेप्ट हम देखते हैं, वेयर द पार्टीज दे फेवर, वेयर द मिलिटरी फेवर्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और ए लीडर, पोटेंशियल लीडर। और मेजर चैलेंजेस, मेजर कॉजेस क्या क्या है इस पॉलिटिकल अनरेस्ट के, अगेन वन इज के द कॉन्स्टिट्यूशन, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट अ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो दैट इज अ क्रूशल फैक्टर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इलेक्शंस टेक प्लेस करते हैं दे हैव मोस्टली बीन अनफेयर, एंड बहुत ज़्यादा अनरेस्ट रहा है रेगुलर इंटरवेंशन ऑफ द मिलिटरी, टेक ओवर बाय द मिलिटरी। दीज आर द मेजर चैलेंजेस। फिर दिस इज द हिस्ट्री दैट इज रिटन हियर, कि 1947 में खान ऑफ कलात अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन बलोचिस्तान, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज साइंड इन 1948। फिर ग्वादर जो है दैट वॉज पार्ट ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर पाकिस्तान ने परचेज कर लिया ग्वादर को, ग्वादर पोर्ट विच वी नो टूडे, तो ग्वादर इन 1958। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस रेजिस्टेंस एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, तो ये पोलिटिकल ट्रेजेक्टरी है मेनली। फिर 1970s में इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज इंक्लूडिंग इन बलोचिस्तान, बट अगेन इट डिडंट असर इन द एरा ऑफ जेन्युइन फेडरलिज्म, तो इसको भी डिसमिस कर दिया था। एक मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बलोचिस्तान इट अकाउंट्स फॉर 44% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास, बहुत ज्यादा मिनरल रिच है, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, कोल, नेचुरल गैस, ऑल दीज आर फाउंड हियर, एंड स्टिल इट कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन इन पाकिस्तान। कैसे? 2018-19 की जो UNDP रिपोर्ट है उसमें बलोचिस्तान इट अकाउंटेड फॉर 4.5% ऑफ पाकिस्तान GDP, तो 44% लैंड मास होने के बजाय, इतने रिसोर्सेज होने के बजाय भी ओनली 4.5% ऑफ पाकिस्तान GDP वाज इट वाज बीइंग एबल टू कंट्रीब्यूट टू। तो कोस्ट लाइन भी है एंड पुअर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं विच आर फ्यूल्ड द डिसअपॉइंटमेंट इन द इस्लामाबाद पॉलिसी। चाइना की इंटरवेंशन की अगर बात करते हैं तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, माइनिंग में, एनर्जी में, एयरपोर्ट्स में, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में भी, जैसे कि विच आर ऑल पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो अगेन जो इंडियन ओशन है वहां पर भी एक प्रॉपर मिलिट्री सेटअप करने के लिए या फिर रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए चाइना कैन टेक हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान, कनेक्टिंग विद मालदीव्स ऑल्सो, जैसे ग्वादर पोर्ट के थ्रू भी। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो हम थ्योरी बोलते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी सीन हियर। बिकॉज इम्पोर्टेंस क्यों है? स्ट्रेट ऑफ हरमूज से जिसकी प्रॉक्सिमिटी है उसके लिए भी, तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एटसेट्रा। तो करेंटली पाकिस्तान ऑफिशियल्स दे इंसिस्ट कि जो ग्वादर पोर्ट है उसको कमर्शियल पोर्ट की तरह यूज करा जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। मेजरली जो मिलिटरी है वहां पे वो सेटअप करने का ट्राई कर रहा है चाइना, पॉसिबल मिलिटराइजेशन ऑफ द पोर्ट, फेंस करना और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट करना वहां पर। अब ये अगेन पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को भी समवट इट इज डिस्टर्बिंग,
ऑल्दो इकोनॉमिकली इट इज बेनिफिटिंग देम एज वेल, बट जो लोकल पीपल है वहां पे, इवन दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड. जो उनका एक्सेसिबिलिटी है और जो उनका लाइवलीहुड है मेनली अराउंड द कोस्ट लाइन ड्यू टू फिशिंग एटसेट्रा एक्टिविटीज, तो वो ओपनली नहीं कर सकते, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंजिंग. एंड ऑल्सो वन मोर चैलेंज फॉर इंडिया वुड बी मेंटेनिंग अगेन दी सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द शिप्स विच आर पासिंग थ्रू द रीजन द पर्शियन गल्फ एंड इवन द इनकमिंग शिप्स फ्रॉम दैट रीजन बिकॉज दिस रीजन इज वेरी क्रिटिकल फॉर ऑयल ट्रेड. अपार्ट फ्रॉम दिस इवन वी आर सींग दैट वेन एवर देर इज मोर ऑफ लाइक एक्टिविटी रिलेटेड टू बलूच मिलिटेंट्स तो पाकिस्तान ऑफन अक्यूजेज इंडिया ऑफ सपोर्टिंग दी बलूच सेपरेटिस्ट. सो दिस विल फर्दर स्ट्रेन आर डिप्लोमेटिक एंड बायलेटरल टाइज विद पाकिस्तान एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस बिकम्स वन ऑफ द चैलेंजेस एंड रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन इशू. सो बलूच प्रोविंस जो है बलूचिस्तान इट शेयर्स बॉर्डर्स विद ईरान एंड अफगानिस्तान. सो इवन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कंट्रीज ऑलरेडी वी आर सींग द इंटरनल चैलेंजेस एग्जिस्ट एंड फर्दर बॉर्डर चैलेंज और इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस वुड ऑल्सो एडिंग अप टू द प्रेशर. एंड अदर थ्री प्रोविंस मेनली पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, दीज आर द थ्री अदर प्रोविंसेस. तो पाकिस्तान इज मेजरली फोर प्रोविंसेस. राइट तो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि हाउ द पॉलिटिकल नेचर ऑफ अ कंट्री इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज वेल, और कैसे जो सिस्टम होता है दैट इज ऑल्सो डिफाइंड, कितनी ट्रांसपेरेंसी है दैट इज टेकिंग प्लेस अमंग द लीडर्स स्पेशली दैट डिक्टेट्स, एंड क्या एक ड्राइविंग फोर्स है. जैसे इंडिया में मेजरली द ड्राइविंग फोर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कि दैट इज रिटन एंड एवरीवन फॉलोज इट. तो सच स्ट्रक्चर नीड्स टू बी क्रिएटेड, और प्रोविंशियल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है टू अवॉइड पॉलिटिकल टर्मोइल. नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफाइंस लिटरेसी, फुल लिटरेसी इन पुश फॉर अडल्ट लिटरेसी. तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज रिन्यूड पुश फॉर अडल्ट लिटरेसी अंडर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. तो NILP इज द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, अ 5 ईयर प्रोग्राम 2022 से लेकर 27 तक. तो ये मेनली फोकस करेगा ऑन द लर्नर्स एजेड अबव 15 इन एवरी ईयर अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो लिटरेसी का मतलब क्या होता है? मेजरली इट इंक्लूड्स मैथमेटिक्स की कंप्यूट करने की एबिलिटी, और एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जिसको हम लिटरेचर में वी कैन इंक्लूड. तो दैट इज टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड क्रिएट अलॉन्ग विद सच क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जैसे कि डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, उनमें भी एप्लीकेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो मेनली कॉम्प्रिहेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, दिस इज लिटरेसी. और फुल लिटरेसी इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 100% लिटरेसी, विल बी अचीविंग 95% लिटरेसी इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी. तो फुल लिटरेसी इज अगेन रिलेटेड टू द डेमोग्राफी, और मेनली जोग्राफिकली कितना एरिया कवर करा है हमने, 95% एटलीस्ट पीपल हु आर लिटरेट. अदर अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो निपुण भारत, इट इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव रिगार्डिंग द लिटरेसी इट्सेल्फ. और फर्दर टेस्ट की बात करते हैं तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर. और अदर प्रोग्राम की बात करते हैं तो साक्षर भारत प्रोग्राम. अब चैलेंज की बात करते हैं तो इंडिया फेसेस अ सिग्निफिकेंट लिटरेसी चैलेंज विद 25.76 करोड़ नॉन लिटरेट इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव. तो कंप्राइजिंग 9.08 करोड़ मेल्स एंड 16.68 करोड़ फीमेल्स. तो यहाँ पे भी जेंडर गैप इज विजिबल, नियरली ट्वाइस फीमेल्स आर नॉट लिटरेट एज कंपेयर टू मेन, 25.76 करोड़ इंडिविजुअल्स.
Manjari, would you like to add something in this? वी कैन मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मेंशन है, साक्षर भारत प्रोग्राम जो से पहले रन कर रहा था. सो सर्टिफाइड 7.64 करोड़ इंडिविजुअल इलिटरेट. नेक्स्ट, फॉरेन रिबल्स प्लान टू यूज मिजोरम एज ट्रेनिंग ग्राउंड सस्पेक्ट एजेंसीज. तो दिस अगेन इज रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी, हाउ कैन वी मेंटेन इट. तो यहाँ पे एक लेटर प्रपोज किया गया था बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्मॉल एथनिक कम्युनिटी इन बांग्लादेश. तो इट वॉज सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ ट्रेनिंग कैंप इन मिजोरम. तो इसमें देर हैव बीन सस्पेक्ट कि क्या वो जो रेबेल ग्रुप्स हैं, आर दे रेबेल ग्रुप्स दैट आर प्लानिंग टू फाइट और सिविल वॉर इन देयर कंट्रीज. तो यहाँ पे देर इज अ चैलेंज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रेगुलेशन. तो खूमी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी KNDP एंड खूमी नेशनल आर्मी ट्रेनिंग सेंटर. तो लोंग तलाई इज वन ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम बॉर्डरिंग द चित्तागोंग हिल ट्रैक्स ऑफ बांग्लादेश. तो नेबरिंग स्टेट्स में कैसे इंसर्जीज को हम कर्व कर सकते हैं, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, वी हैव ऑलरेडी बीन सीइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम इन रिलेशन टू म्यांमार एज वेल. तो म्यांमार बेस्ड इंसर्जेंट और रेजिस्टेंस ग्रुप्स, तो दैट बिकम्स अ चैलेंज. फिर फ्री मूवमेंट रेजीम की भी हम बात करते हैं, विच वॉज रिसेंटली कैंसल्ड एंड फेंसिंग वॉज प्रपोज एज अ स्टेप इन ऑर्डर टू कर्ब दीज. नेक्स्ट, कोलंबो पोर्ट वेलकम्स इंडियन चाइनीज वॉरशिप्स. तो श्रीलंका इज मेन पोर्ट एंड कैपिटल कोलंबो. इट वेलकम इंडिया फ्रंटलाइन वॉरशिप INS मुंबई एज वेल एज 3 वॉरशिप ऑफ द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी. तो आइलैंड नेशन में इंटरेस्ट दिखा रही है. इट इज फेमिलियर विद द 2 पावर स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट अगेन रिगार्डिंग द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो यहाँ पे इट इज इंडिया जिसने बिल्ड डिस्ट्रॉयर INS मुंबई. इट विल स्टे इन कोलंबो फॉर द 3 डेज. नेक्स्ट, प्रज्ञान रोवर रिवील साइंस ऑफ मैग्मा ओशन ऑन एंशियंट मून. तो अभी रिसेंटली वी सॉ के इंडिया हिस्टोरिक Chandrayaan-3 मिशन. तो प्रज्ञान वॉज द रोवर एंड विक्रम वॉज द लैंडर. तो दिस वॉज लॉन्च बाय इसरो इटसेल्फ. एंड हियर विक्रम्स लैंडिंग स्पॉट इज अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम द सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर द साउथ पोल एटकेन बेसिन विच इज अराउंड 8 किलोमीटर डीप. तो लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है ये, वी कैन रिमेम्बर द नेम एटकेन बेसिन, 8 किलोमीटर डीप. पावरफुल मीटियोर स्ट्राइक ने क्रिएट किया था ये डिप्रेशन, एक्सकवेटिंग मटीरियल फ्रॉम डीप इन साइड मून एंड स्प्लैशिंग इट अराउंड द सर्फेस. तो यहाँ पे साइंस ऑफ मैग्मा ओशन आर सीन हियर ऑन एंशियंट मून, विक्रम्स लैंडर इमेजर कैमरा, प्रज्ञान रोवर. तो US अपोलो मिशंस और अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन लूना मिशंस दे सॉ फ्रॉम द लूनर इक्वेटर इन द 1916. प्रज्ञान ऑपरेटेड इन द साउथ इन द लूनर साउथ पोल रीजन. मानसी, यू कैन ऐड इन दिस. उनकी के यहाँ पे हमारे लिए फैक्चुअल डिटेल्स इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल फर्दर, फेरोवान अनऑर्थोसाइट रॉक्स दे आर वेरी कॉमन ऑन अर्थ बट वी आर फाइंडिंग मैचेस वेरी नाइसली इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ मैग्मा ओशन प्लस द इम्पैक्ट थ्योरी.
कंपोनेंट्स के नेम पता होने चाहिए, बाकी जैसे हाँ ये लिखा है प्रज्ञान अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इज अ कंपोनेंट, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेस्टिगेटर इज मेन दिस। तो सो मिनरल्स इन देयर स्लोली क्रिस्टलाइज्ड एट द लावा कूल टू फॉर्म द रॉक्स ऑफ वेरियस काइंड्स इंक्लूडिंग द फेरोइन एनोर्थोसाइट। नेशनल स्पेस डे, एक मिनट ऊपर करो फैक्ट भी बताओ मुझे। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। न्यू नेशनल स्पेस डे, हाँ नेक्स्ट मेट अपग्रेडिंग पाइपलाइन फोकस ऑन एक्सट्रीम वेदर लोकल प्रेडिक्शंस। तो इट्स शॉर्टकमिंग्स हैव बीन रूटीनली एक्सपोज पर्टिकुलरली बाय द एक्सट्रीम इवेंट्स। तो इंडिया इज वेदर डिपार्टमेंट मेजरली IMD की यहाँ पे बात हो रही है एंड इट इज सेट टू गेट अ मैसिव अपग्रेड ऑफ इट्स फोरकास्टिंग केपेबिलिटीज दैट विल एनेबल इट टू मेक लोकलाइज्ड एंड एक्सट्रीम वेदर प्रेडिक्शंस विद फार ग्रेटर एक्यूरेसी। तो अगेन इसके लिए टूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सेटिंग अप दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। जैसे कि IMD के रेनफॉल फोरकास्ट फॉर मुंबई वर वे ऑफ द मार्क ऑन अबाउट 40% ऑफ द डेज इन जुलाई। तो कैपेबिलिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए है। देन वी हैव द मॉनसून मिशन लॉन्च इन 2012 जिसमें भी देर हैव बीन अपलिफ्टमेंट ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ क्या IMD। शिफ्ट क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा अपग्रेड इन पाइपलाइन फोकस ऑन एक्सट्रीम वेदर एंड लोकल प्रेडिक्शंस। सो वी वर अर्लियर वी वर फोकसिंग अपॉन द मैक्रो डेटा, जब हम वेदर प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मॉनसून साइकिल में क्या चेंजेस है, लीनो लालीना हो रहा है, उसको हम असेस पहले प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे एंड जो अगेन ब्रॉडर रीजन को अफेक्ट करते हैं। तो देयर वी आर सीइंग कि वी आर इम्प्रूविंग देयर एंड एक लेवल अचीव कर चुके हैं। नाउ आर फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सब सब अर्बन लेवल या लोकल लेवल पे। तो हेयर वी आर सीइंग कि हाइपर लोकल वेदर फोकास्ट में हमें और प्रिसिजन चाहिए। सो नेक्स्ट फोकस इज दैट, जब हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, IMD की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ अगेन द राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स एंड इवन वी डिस्कस दिस ड्यूरिंग द केरला लैंडस्लाइड इवेंट ऑल्सो। सो हेयर द सैटेलाइट्स विच विल बी यूज विल बी इनसैट 3D, इनसैट 3DR, इनसैट 3DS। सो दीज आर अगेन दी डेडिकेटेड वेदर सैटेलाइट्स विच आर यूज बाई इंडिया and these are in the low earth orbit. So they have been like inside 3DR has been in space for almost 8 years and next generation meteorological satellites again INSAT 4 series jo hai that is having next generation technological capabilities. It would be like for example जो न्यू डेवलपमेंट भी हुई है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेदर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, अर्थ ऑब्जर्वेशन में अगर हम बात करते हैं। सो लोकल लेवल पे अगेन द रोल ऑफ स्टेट बॉडीज विल ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट एंड दैट कैन बेटर हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स। कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल्स विल बी यूज्ड, विल बी टेलर मेड फॉर इंडिया एंड अकाउंट फॉर क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज ऑल्सो। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द न्यू मिशन, तो एक तो डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्यू मोर डेडिकेटेड वेदर सैटेलाइट्स। जैसे करेंटली इंडिया हैज ऑलरेडी 3 सैटेलाइट्स इन स्पेस मेंशन इनसैट। कर दिया, फिर रिपीट नहीं करो, हो गया ये सारा कवर कर दिया, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड AI एंड मशीन लर्निंग का भी ये सब भी यूज करेंगे राइट। इसरो फाइनलाइजेस डिजाइन ऑफ ह्यूमनॉइड स्कल क्रूशियल टू गगनयान मिशन नेक्स्ट ईयर। तो अगेन ह्यूमनॉइड स्कल विल बी रिक्वायर्ड हियर। तो क्योंकि व्योम मित्रा तो ह्यूमनॉइड अ हाफ ह्यूमनॉइड दैट विल फ्लाई ऑन अनक्रूड मिशन इन टू स्पेस। तो गगनयान मिशन में दिस ह्यूमनॉइड विल बी यूज। गगनयान मिशन का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? टू डिस इट इज द मेजर डिस्प्ले ऑफ द स्पेस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो ये इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को शो करेगा विथ साइंटिफिक रिसर्च। तो GSLV मार्क
विल बी यूज्ड फॉर द लॉन्च, और ऑर्बिट कहाँ करेगा? एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स. थ्री एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग अ वुमन विल बी सेंट टू लो अर्थ ऑर्बिट. तो हाफ ह्यूमनॉइड स्टिमुलेट्स द एंथ्रोपोमॉर्फिक ह्यूमन लाइक फीचर्स ऑफ द अपर टॉर्सो. दिस इज मेनली रिगार्डिंग द स्कल. So India would be the fourth country to send humans into space after Russia, US and China. And before the main flight, ISRO has planned two uncrewed preparatory missions, Gaganyaan 1 and Gaganyaan 2. Gaganyaan 1 will is scheduled for December and safe re-entry of spacecraft. A Gaganyaan 2 mission will carry Vyomitra inside the human-rated pressurized crew module, जहां पे एस्ट्रोनॉट्स विल बी सिट इन द एक्चुअल फ्लाइट. डिजाइंड एट तिरुवनंतपुरम इसरो इनर्शियल सिस्टम जॉइंट. नेक्स्ट अगेन रिगार्डिंग यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस. सो वी आर ऑलरेडी डिस्कस के जो ट्रिनिटी है दैट विल बी क्रिएटेड ऑफ जैम यूपीआई यूएलआई. यूएलआई विल अगेन एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा इन्हांस करेगी, जस्ट लाइक यू यूपीआई. तो यू एल आई इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस. तो लैंडिंग स्पेस को कंट्री को और ज्यादा ये बूस्ट करेगी, एफिशिएंट बनाएगी. कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड एपीआईज होंगे, एप्लीकेशन कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर दो सारे. जैम यूपीआई एंड यूएलआई इटसेल्फ, फिर एपीआई हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. ट्रांसपेरेंसी विल इंक्रीज, एक्सेसिबिलिटी विल इंक्रीज, एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड फैसिलिटेटिंग क्विकर डिसबर्समेंट और स्केलेबिलिटी. और जो सबसे टॉप हेडलाइन में लिखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस लैंडिंग.